भगवान से क्या कह रही है, हे भतीजा, हे कृष्णा, विपता के समय तेरे को याद करते आया, तुमने विपता को सारा मिटाया, लेकिन आज तो द्वारिका जा रहा है, तेरी बुआ से तेरे से एक ही वरदान चाहती है, विपद संतुन सत्सर तत्र तत्र जगत गुरु परमात्मा मेरे को दुख दे के जाना, और दासी की जरूरत हो तो बोलो ना, पहली कुंती बुआ को बुलाना, दासी रेसियो भाग लगासियो निटो दर्शन पासियो कानूड़ा माने दासी। भगवान रुक गए, सावधान, 3 मिनट की कथा हो रही, डटके रहना, बहुत सुंदर कथा है। ज्यों ही रुके उत्तरा बड़ी राजी हो गई, उसके पेट में भी भगवान है, परीक्षित, ये रक्षा कर रहे। इधर कुंती भी बहुत राजी हो गई, दोनों ये विचार कर रही है। उत्तरा के मन में ये विचार आया, मेरी प्रार्थना सुन करके भगवान रुक गए, तो कुंती के मन में ये विचार आया, मेरी स्तुति सुन के भगवान रुक गए। एक बात आपको बताऊं, कुंती ने दुख में सुख मांगा था, कुंती ने सुख में दुख मांगा, उत्तरा ने बोला ना दुख दुख में सुख मांगा, और दोनों राजी हो रही है। वो सोचती है मेरी प्रार्थना से रुके हैं, वो सोचती है मेरी स्तुति से रुकी है। एक बात बताऊं, न उत्तरा की प्रार्थना से भगवान रुके हैं, न कुंती की स्तुति से रुके हैं। उसी समय सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह है, जाने से पहले भगवान का दर्शन मांग रहे हैं। तीनों का मांगने का एक समय के अंदर तीनों अलग अलग चीज मांग रहे हैं। उत्तरा मांग रही है दुख में सुख, कुंती मांग रही है सुख में दुख, पिता में मांग रहे हैं मरने से पहले, हे कृष्णा मैं सरसैया पर सोया हूं, मेरे को दर्शन दे। कुंती की प्रार्थना से नहीं रुके, भागवतकार वर्णन कर रहे हैं क्यों रुके, सरसैया पर मरते समय भीष्म पितामह दर्शन मांग रहे थे। भगवान यह बताते हैं, जो मरते समय मेरे को याद करता है मैं सारा काम छोड़ता हूं और पहले उसके पास जाता हूं। महाराज पितामह के पास आए, टप 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 सरसैया पर खून टपक रहा है, धर्मा धर्म का उपदेश दिया है, और यह भी कहा है जहां कृष्ण जैसा अर्जुन तेरा सारथी, जहां भीमसेन जैसा ये युधिष्ठिर तेरा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा, और पांडव में कितनी तकलीफ आई ये भी बताया, तो द्रौपदी को हंसी आ रही है। और उसी समय पितामह कहते बिटिया तो क्यों हंस रही है, उसका कारण समझ गया, द्रौपदी को हंसी आ रही है, आज इतने धर्म की बात कह रहे हो, जिस समय दुर्योधन दुशासन साड़ी खींच रहे थे उस समय आपका धर्म कहां गया था। पितामह ने कहा बिटिया उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, बोलो ना किसका अन्न खा रहा था, उसने धर्म की बात को जानते हुए नहीं बोला। आज क्यों बोला हूं, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के अन्न से बड़ा हुआ कौन, अर्जुन के बाणों से निकल गया, आज थोड़ा बाकी था सरसैया से निकल गया, इसलिए धर्म की बात बता रहा। सूर्य उत्तरायण आ गया,
पिता मैंने सब तरह से मन को हटाया और भगवान कृष्ण से क्या करे, कृष्णा आज मैं शरीर छोड़ रहा हूं, सब ठीक है, तुम्हारा दर्शन हो गया, लेकिन कृष्णा एक पिता की अंतिम इच्छा होती है, मैं पिता हूं, मेरी भी एक इच्छा है। क्या पिता मैं? हर पिता यह चाहता है कि मरने से पहले मेरी बेटी का विवाह अच्छे वर के साथ करके मरूं। ये कृष्ण आज मैं मर रहा हूं, मेरी बेटी का कन्यादान तू ले ले, मैं मेरी बेटी कन्या तेरे को देना चाहता हूं, बस उस बेटी को देके मैं मरना चाहता हूं, कन्यादान करना चाहता हूं। मरा सभा में सन्नाटा छाट गया, सब विचार करते पिता में और कन्या कहां से आ गई, जबकि विवाह ही नहीं किया पिता मैंने, कन्या कहां से आई। इति मति रुकल्पिता वितृष्णा, पिता मैं कहते हैं मति मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि नामक कन्या अभी कवारी बैठी है, ये कृष्ण मेरी बुद्धि का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, बस इसको ग्रहण कर ले। मरने से पहले पिता मैंने अपनी बुद्धि का विवाह किसके साथ किया, बोलो, भगवान कृष्ण। महाराज बुद्धि के लिए वर एक ही देखना, जैसे कन्या के लिए एक वर देखा जाता है, कन्या का विवाह एक वर के साथ होता है, ऐसी मरने से पहले अपनी बुद्धि नामक कन्या का विवाह परमात्मा कृष्ण के साथ करके मरो। बस पिता मैंने बुद्धि का विवाह परमात्मा के साथ किया है, और इधर समय घड़ी ने बता दिया, कोई बात नहीं, 15 मिनट मैंने अधिक लिए हैं, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है, मैं कोई यहाँ भागवत का चढ़ावा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो गौ रक्षण समिति का ही एक सदस्य बन के आया हूँ महाराज, हाँ कुछ नहीं लेना है, लेकिन आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कभी 15-20 मिनट का समय अधिक हो जावे तो परवाह मत करना, कथा तो ठीक 2:30 बजे, जहाँ तक होगा 15 मिनट से ज्यादा नहीं, अपने सवाया समय में कथा विराम करेंगे, अभी तो पिता में विवाह परमात्मा के साथ हो गया है, स्टेज मंत्री जी सूचना देंगे, उसके बाद देखना पितामह सरसैया पर कैसे सोए हुए हैं, कैसे 5 पांडव खड़े हैं, कैसे द्रौपदी को हंसी आ रही है, कैसे अंत समय में क्या कह रहे हैं, मेरी बुद्धि का विवाह हे कृष्ण तुम्हारे साथ कर। स्टेज मंत्री जी की सूचना सुन लो। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय श्री राम। प्रथम दिवस का यह सत्र यहाँ पर विश्राम ले रहा है, हम 5 से 10 मिनट आपका लेना चाहेंगे, हमारा कर्तव्य है। नागपुर गोरक्षण कष्ट करें, श्री राधेश्याम जी सारडा स्वागत उद्बोधन के लिए यहाँ पर। इस आयोजन में उपस्थित जिनके द्वारा यह आयोजन हो रहा है, ऐसे महाराज श्री, इनके चरणों में वंदन। और ये कथा जो आज आप सुन रहे हैं, ये कथा श्राद्ध पक्ष में तय की गई थी, और मेरे ख्याल से आज जो दिन है पहला, वो दिन भी अष्टमी था, और ऋषिकेश में ये कथा महाराज ने हमको दी, गौशाला के सहायता उनके निमित्त तुलसी का एक पत्ता हम महाराज को देने वाले हैं। जो हमने किया है वो गौ माता की, जो हमारी गौशाला है वहां करीब 450 गौ माता है, उनके नित्य खर्चे के लिए उसकी व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए इस कथा का श्राद्ध पक्ष में आयोजन किया है। और महाराज श्री नागपुर में कई बार आए हुए हैं, आपके सबके जाने पहचाने हैं, उनकी वाणी आपको पता है,
तो ये लाभ जो उनको मिला है नागपुर के लोगों को, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। मैं यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं गौ भक्त भगवान प्रेमी, उनका नित्य आकर आप इस आयोजन का लाभ ले ऐसी कामना करता हूं। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के संयोजक श्री श्रवण कुमार जी मालू, कृपया आप स्वागत उद्बोधन के। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता संकट का निवारण करती है और कामना की पूर्ति करती है। त्रेता युग में जब धरती पर अपराध बढ़ गया था, तब धरती ने गौ माता का रूप लेके विष्णु भगवान के पास प्रार्थना करने गई और विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, जल्दी मैं राम के अवतार में आऊँगा और संकट दूर करूँगा। तो गौ माता का रूप धरती माता ने लिया। गौ माता अपनी इच्छा भी पूरी करती है। जब भी कोई संकट हो, आप गौ माता के कान में बोल दीजिए, आपका संकट पूरा दूर हो जाएगा। इस कथा में सभी यजमानों का और सभी समाज सेवी और सभी धार्मिक परिवारों का स्वागत है। हम सभी को स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए समय समय पर बुलाते रहेंगे। ये गो कथा जो भागवत कथा हो रही है, उद्देश्य है अर्थ संग्रह का। हम चाहते हैं कि आप लोग अर्थ संग्रह में तन मन धन से सहयोग देवें। हमने एक पारिवारिक गोदान का आयोजन रखा है गौशाला में। 29 तारीख को सुबह 11 बजे से आयोजन चालू होगा। अभी करीब 80-90 लोगों के पास हमारे पास एंट्री आ चुकी है, अनुदान आ चुका है। 108 लोगों को हमको लेने का है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें नहीं बोलना पड़े, आप कार्यालय में जाके स्वयं स्फूर्ति से अपने नाम लिखाएं और 108 की जो हमारी कल्पना है वो पूरी करें। अब गौदान का जो कार्यक्रम है, उसमें लगने वाली सामग्री सब हम लाएंगे। आप गाय को ओढ़ने के लिए ओढ़ना या साड़ी जो लाना वो लाइए, बाकी उनका चांदी के खुर वगैरह पूजा की सामग्री और पंडित जो पूजा कराएंगे वो सब समिति की ओर से तैयारी रहेगी। बेतरणी पार भी उसी समय कराया जाएगा। तो गौदान बेतरणी पार ये हमारा अभियान है। बोलिए गोदान बेतरणी पार। आप बेतरणी का उजड़ना कराते हो, दो दो चार चार लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 1 लाख रुपया उजड़ना में, 2 लाख रुपया भोजन कराने में, 1-1.5 लाख रुपया सीख बाड़ी में लग जाता है बहन बेटियों का। हमारा 11,000 रुपये का योगदान है। आप 11,000 दे दीजिए, उजड़ना और कराना तो करा लीजिए। अब कल बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। कल यहाँ पर नानी बाई का मायरा होगा, वो शाम को 7 बजे से होगा। उस मायरा के दौरान हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कथावाचक मोहनलाल जी व्यास, हमारे गुरु जी, इनका जन्मदिन का अवसर आया है। हम सभी लोग जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे कल नानी बाई का मायरा के समय में। मैं चाहता हूं कि सारी उपस्थिति रहे, जैसी आपकी शोभा यात्रा में आज उपस्थिति थी। बहुत रंगारंग शोभा यात्रा बढ़िया हुई, उसी तरह आज की कथा बढ़िया हुई। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हाजिर रहेंगे। आज के दैनिक यजमान श्री दामोदर दास जी, पूनम चंद जी मालू, कृपया आप पधारे। इन्हें भी परम पूज्य स्वामी जी के शुभ हस्ते यह कामधेनु गौ माता आशीर्वाद स्वरूप सप्रेम भेंट प्रदान की जाएंगी समिति की ओर से। माताएं बहनों, झांकी का दर्शन करके जरूर जाना, बहुत अलौकिक झांकी 5 मिनट में देखने वाली है। और इसके बाद मूल पाठ के यजमान श्री राम स्वरूप जी सारणा, मेरा आपसे भी निवेदन,
कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। और अब परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धे श्री राम रतन जी सारड़ा, आप व्यासपीठ पर आए, श्री राम निवास जी परताणी, श्री भंवरलाल जी सारड़ा, श्री राम रतन जी सारड़ा, श्री राम निवास जी परताणी, श्री भंवरलाल जी सारड़ा, श्री जगदीश जी सोमाणी, श्री जगदीश जी सोमाणी, श्री गोविंद लाल जी सारड़ा, श्री गोविंद लाल जी सारड़ा, श्री सी ए राजेश जी काबरा, श्री सी ए राजेश जी काबरा, ये सभी पुष्प आराधन समर्पित करेंगे श्रीमद् भागवत जी की पोथी पर और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे परम पूज्य स्वामी जी का। श्री ओम प्रकाश जी बंग, श्री ओम प्रकाश जी बंग, श्री कन्हैयालाल जी मानधना, श्री कन्हैयालाल जी मानधना, आइए हम क्रमबद्ध होकर व्यासपीठ पर पहुंचे, पुष्प समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रतनलाल जी लाहौटी, श्री रतनलाल जी लाहौटी, ये और इसके पश्चात श्री वीरेंद्र जी माहेश्वरी, श्री वीरेंद्र जी माहेश्वरी, श्री गणेश जी नथानी, श्री गणेश जी नथानी, डॉक्टर परमेश्वर जी लड्डा, डॉक्टर परमेश्वर जी लड्डा, श्री ब्रज गोपाल जी दरक, श्री ब्रज गोपाल जी दरक, श्री सत्यनारायण जी राठी, श्री सत्यनारायण जी राठी, श्री मांगीलाल जी बजाज, श्री मांगीलाल जी बजाज, श्री कमल जी बांगड़ी, श्री कमल जी बागड़ी, श्री मनमोहन जी मर्दा, श्री मनमोहन जी मर्दा, श्री भंवरलाल जी सारड़ा, ये आज के प्रसाद के यजमान हैं, उन्हें भी गौ माता कामधेनु गौ माता आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की जा रही है। आप अपने अपने स्थान पर बैठकर हल्के हल्की तालियों से अभिवादन कर सकते हैं, अवश्य करें। नर की व्यथा को नारायण की कथा ही दूर कर सकती है। इसके पश्चात अब इसके बाद में आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद वितरण, झांकी के अंदर कैसे विश्व पितामह सरसैया पार, कैसे बुद्धि नामक कन्या का विवाह करने जा रहे हैं, कैसे भगवान कृष्ण करें, देखिए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले ऐसी प्रार्थना करते हुए। हेलो हेलो हेलो, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नामे प्रभु
Yeah.